सावन का महीना शुरू हो चुका है। देश के मंदिरों शिवालयों में हर हर भोले की गूंज सुनाई दे रही है। इस बीच वैदिक मंत्रोच्चार के साथ छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना की गई। भगवान शिव की पवित्र गदा जिसे छड़ी मुबारक के नाम से जाना जाता है, इसकी विशेष पूजा अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक आधार शिविर पहलगाम में की गई। 19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा समाप्त होने वाली है। उस दिन छड़ी मुबारक गुफा में प्रवेश करेगी, यानी यात्रा की शुरुआत भी छड़ी मुबारक के साथ ही होती है और खत्म भी छड़ी के साथ ही। आखिर क्या है इसकी कहानी, चलिए जानते हैं। अटूट है भक्तों का विश्वास और अनंत है उनकी श्रद्धा। महादेव में मगन भक्तों का कीर्तन देता है दस्तक ऊंचे द्वार पर। करताल और संगीत से सजा है बाबा का दरबार। भगवान भोले के भजन में लीन है मन, जयकारे और गुणगान से प्रसन्न होते हैं भोले भगवान। मटन का पड़ाव है वो स्थान जहां से अमरनाथ के लिए शुरू होती है पवित्र छड़ी की यात्रा। चांदी की छड़ी मुबारक सुनाती है कहानी शिव भक्त ऋषि श्रृंगेश की। शंकर भगवान की तपस्या में लीन रहने वाले मुनि श्रृंगेश संसार का कल्याण करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी ऐसे मार्ग का पता लगाने की जिसमें सभी नर नारियों को मुक्ति मिल सके। उनको तपस्या के दौरान अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन हुए। ऋषि को लगा उनकी कामना पूरी हो गई। उन्होंने अपने शिष्यों को अमरनाथ गुफा की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि कलयुग में जो भी भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा उसे सीधे मुक्ति मिलेगी। मुनि की बात सुनकर शिष्यों के मन में उस स्थान के दर्शन की इच्छा जागी। ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ अमरनाथ की यात्रा शुरू कर दी। वो यात्रा के बीच में ही थे कि तभी उनके ऊपर दानवों ने आक्रमण कर दिया। हमले ने मुनि का रास्ता रोक दिया। माना जाता है कि अमरनाथ की यात्रा पूरी नहीं होने पर ऋषि को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने भगवान भोले की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनके कठिन तप से महादेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। यात्रा को सफल बनाने के लिए शंकर भगवान ने ऋषि को एक छड़ी भी दी और कहा कि इस छड़ी के साथ चलने वालों की यात्रा में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। और तभी से इस पवित्र छड़ी के साथ भक्त यात्रा करते हैं और मानते हैं कि भक्ति की इस राह में छड़ी के रहते कोई अड़चन नहीं आती। यात्रा आरंभ होने से पहले छड़ी को अमरनाथ गुफा से श्रीनगर पहुंचाया जाता है। पवित्र छड़ी के श्रीनगर पहुंचते ही अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाती है। दशनामी अखाड़े के महंत इसे लेकर चलते हैं और रक्षाबंधन के दिन इसे पवित्र गुफा में पहुंचाया जाता है। शिवधाम में छड़ी पहुंचते ही अमरनाथ यात्रा साल भर के लिए रोक दी जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।